भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कई अहम घोषणाएं की हैं। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए दास ने कई अहम ऐलान किए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि RBI कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है, रिजर्व बैंक इसकी करीबी से निगरानी कर रहा है। दास ने कहा कि 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है। गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह 4.4% पर स्थिर है। रिजर्व रेपो रेट 0.25% से घटाकर 3.75% कर दी गई है। रिजर्व रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यह बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। RBI ने टेल्ट्रो 2.2 की शुरुआत 50,000 करोड़ से की है। जरूरत पड़ने पर इसे 50,000 करोड़ से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। TLTRO2 के तहत RBI ने MFI और NBFC को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। COVID-19 महामारी के कारण सामने आई वित्तीय कठिनाइयों के चलते बैंक आगे किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। RBI ने नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, SIDBI को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। NBFC द्वारा रियल स्टेट कंपनियों को दिए गए कर्ज पर भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज की तरह ही समान लाभ उपलब्ध होंगे। देश के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है, हालांकि मार्च में देश के निर्यात के हालात बेहद खराब रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व अभी 476.5 अरब है। G20 देशों में भारत की स्थिति बेहतर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 9 खरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो जापान और जर्मनी की GDP के बराबर हो सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी पर लगाई गई रोक पर 90 दिन का NPA नियम लागू नहीं होगा। देश में बैंकिंग कारोबार सामान्य बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। वित्तीय संस्थाओं ने विशेष तैयारी की है। आपको बता दें कि देश में 91% ATM का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन में मोबाइल और नेट बैंकिंग में कोई परेशानी नहीं है। मार्च में सर्विसेज PMI में गिरावट दर्ज की गई। प्रोडक्शन सेक्टर्स में हालात काफी खराब हैं, जो IIP के आंकड़ों में शामिल नहीं है। कोरोना वायरस का असर अभी IIP के आंकड़ों में शामिल नहीं है, इसलिए आंकड़ों से किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के बावजूद कृषि क्षेत्र में बुवाई की स्थिति बेहतर रही है। इससे पहले 27 मार्च को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया था कि रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई है और ये 5.15% से घटाकर 4.40% कर दी गई है। साथ ही RBI गवर्नर ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे अगले 3 महीने तक ग्राहकों को EMI में राहत दें। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म funding requirements of agriculture and the rural sector, small industries, housing finance companies, MFIs and NBFCs. These All India financial institutions normally raise resources from the market through specified instruments which are allowed by the Reserve Bank of India, in addition to, of course, relying on their own resources. In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of ₹50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. This will comprise of ₹25,000 crore to NABARD for refinancing regional rural banks, that is RRBs and cooperative banks and microfinancial institutions. ₹15,000 crore will flow to SIDBI for on lending and refinancing, and as you know, SIDBI will be lending this money to
you know, by way of providing refinance to scheduled commercial banks as well as to other financial entities, NBFCs, MFIs, etc., who sanction loans to the MSME segment of the economy. And NHB will be allotted rupees 10,000 crore for supporting housing finance companies, HFCs. Now, these amounts which I announced, that is totally 50,000 crore, of which 25,000 crore goes to NABARD, 15,000 crore goes to SIDBI, and 10,000 crore goes to NHB. These amounts have been determined and decided in consultation with these institutions. Should there be additional requirement by these institutions, and again, depending on and based on the actual utilization of resources provided, funds provided by the, or the liquidity provided by the RBI, if there is a further requirement, the RBI will assess the situation, review it, and take further measures to step up this level of liquidity support. Advances under this facility will be charged at RBI's policy repo rate at the time of availment. So these institutions get it today as per the, you know, the repo rate, which is 4.4%. So therefore, this will enable these institutions to provide the refinance at an affordable rate, at a reasonable rate, you know, when they extend this money to various lending institutions. The next announcement, and this is very important, relates to the LAF, Liquidity Adjustment Facility, and this relates to fixed rate reverse repo rate. That is the reverse repo rate. As I have mentioned earlier, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.